हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। इसकी उत्पत्ति मानसरोवर झील के पश्चिम से या पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ट्रांस हिमालय के जास्कर की घाटियों से भारत में प्रवेश करती है। बृहद हिमालय के नंगा पर्वत के पास गारे गार्ज बनाते हुए यह भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश करती है, परंतु इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन है। 93% 2% प्रवाह क्षेत्र चीन या तिब्बत में, 5% प्रवाह क्षेत्र भारत में और 93% पाकिस्तान में है। सन 1960 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान तथा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य सिंधु नदी जल समझौता हुआ, जिसके अनुसार सिंधु नदी के 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है। सिंधु नदी की महत्वपूर्ण विशेषता ग्रीष्म काल में आने वाली बाढ़ है, जो बर्फ के पिघलने से होती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो बर्फ पिघलता है, इसलिए उसमें बाढ़ आती है। इसकी सहायक नदियां देखते हैं, जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। थैंक यू।